बीएड के प्रोफेसर हैं ना, बीएड को ही पढ़ाते रहे जी ना? बिल्कुल। क्यों, कौन कौन से सब्जेक्ट आप बीएड में पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग वेस्ट और एक दूसरा जो कोर सब्जेक्ट होता है वो। तो जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें जो मेरा सब्जेक्ट है मेन वो इंग्लिश है। इंग्लिश। अच्छा, तो किस तरह से कितना किस तरह से प्रभावित हुआ आपका स्कूल या स्कूल में आने वाले बीएड के बच्चे ये 2 साल का होने के बाद में? नहीं, ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, हमारा इस कॉलेज है ये, मेरा ये एक एकल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है पूरे प्रदेश का है, पूरे भारत का मुद्दा नहीं, है। हम वही आपसे जान के हमको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आप प्रभावित हुए, किस तरह से पूरा स्टेट प्रभावित हुआ। केवल मैं ही नहीं, जो मैंने पिछले साल मैंने देखा तो उसमें ये पाया कि जो फीस मॉनिटरिंग कमेटी ने, फीस मॉनिटरिंग कमेटी 3 तरह की फीस निर्धारित करती है। एक तो वे कॉलेज जो बिल्कुल न्यूली जिनको रिकॉग्निशन हुआ है एनसीटी की तरफ से और हायर एजुकेशन ने उनको ऑथोराइज किया है, आगे बढ़ाया है, और किसी यूनिवर्सिटी ने उनको एफिलिएशन दिया है, तो जो नए होते हैं उनकी फीस सबसे ज़्यादा कम होती है, कम होती है, और वो फीस जो है 25,000 से 30,000 के बीच में इस समय है। इसके बाद दूसरी श्रेणी के जो कॉलेज आते हैं, जो 4-5 साल जिनको हो चुके हैं, जो 2F की श्रेणी में आ जाते हैं, उनकी फीस थोड़ी और अधिक होती है, 30 से 32 हज़ार के बीच में। और तीसरी श्रेणी के वे कॉलेज होते हैं जिनके यहाँ नैक हो गया, नैक नैक एक्रेडिटेशन वाले कॉलेज होते हैं, उनकी फीस लगभग 35,000 रुपये एक साल की होती है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश की स्थिति है, लेकिन लेकिन मैं मैं एक बात यहाँ पे हाँ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो फीस है इतनी, पिछले साल जब एडमिशन नहीं आए, उसकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई, सेकंड काउंसलिंग हुई, थर्ड काउंसलिंग हुई, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही पूरे एडमिशन फुल हो जाया करते थे, सेकंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी जिन कॉलेज का क्रेडिट अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के बाद यहाँ 30% सीटें भी नहीं भरी, थर्ड काउंसलिंग हुई उसमें मुश्किल से 40% तक पहुँच पाए और इसके बाद आगे बढ़े ही नहीं। ये केवल हमारे यहाँ का हाल नहीं था, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों का हाल था। कुछ ही ऐसे कॉलेज थे जिनकी सीट उनके प्रयासों के बाद, बहुत सारे प्रयासों के बाद भरी। तो मैंने तो यहाँ तक देखा कि कॉलेजेस ने जो निर्धारित फीस थी उस फीस का जो है 50% से भी कम हिस्सा लिया, और जबकि अपनी तरफ से उसका पूरा हिस्सा स्टूडेंट को दे करके और उसका एडमिशन लिया, उसको फायदा ये पहुंचाया। हालत आप बता रहे हैं अभी 2016 के बाद की, लेकिन मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी, कि 2015 से पहले बीएड के सीट्स बचते ही नहीं थे, और प्राइवेट्स ने जो है 1 लाख से ऊपर चार्ज किया है। हाँ, भले ही वो रसीद भले ही 60,000 की या 50,000 की देते हों, लेकिन फीस वो 1 लाख से ऊपर ही लिया उन्होंने। देखिए, अपने कॉलेजों का अपना मुद्दा है, हम उस गहराई में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, और अगर ऐसी बातें हुई हैं तो उसको सरकार की जिम्मेवारी है, या जो जिसने दिया है उसने क्यों दिया है वो उसका विषय है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी जो 2 साल का जो बीएड हुआ है, तो 2 साल के बीएड में हमारा या सरकार का दो तरह से नुकसान हुआ है। एक तो जो सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो सपना देख रही थी, वो 2 साल का करने के कारण जब डबल पैसा हो गया, सरकार 100% किसी को स्कॉलरशिप तो दे नहीं रही है, तो जब वो डबल हो गया और स्टूडेंट जो है उनकी फीस डबल हो गई, उनका समय जो था वो 1 साल का जो समय था, पहले किसी तरह से वो मैनेज कर लेते थे, स्टूडेंट जो एडमिशन लेते थे वो एडमिशन लेने से पहले कुछ पैसे कहीं से काम करके, क्योंकि वो अब वो स्थिति नहीं है कि स्टूडेंट कोई हाई स्कूल स्तर पे हो, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का कोई स्टूडेंट हो, ये तो वो स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और जिनको घर चलाने के लिए
परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने के ठीक लिए है, कुछ ना उसमें कुछ मन नहीं करना जाते। पड़ता है। आप ये बताइए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स और बीएड कॉलेजेस। मैं थोड़ा सा इसको मैं अपनी बात पूरा कर लूं कि ये नुकसान जो हुआ है हाँ वो ये हुआ है कि 2 साल का करने से अब स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। स्टूडेंट को अगर हम फोर्स करते हैं, जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर हम जो है आ नहीं पाएंगे, अगर मैं नहीं आएंगे कॉलेज तो में नहीं आ पाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, अगर आप ऐसे एडमिशन की अनुमति देते हैं तो मैं आपके यहाँ एडमिशन लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। जब हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आपको आना पड़ेगा, हमारी तो पूरी जो नॉर्म्स है कि आपको कम से कम 60% और 60% से लेकर 75% तक हाजिरी पूरी करनी पड़ेगी, तो वो एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। वो ठीक है एडमिशन सर, नहीं वो करते, उनका मुद्दा है, वो जा मेरे को ये बताइए सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सरकार से बीएड कॉलेज की, या एज ए बीइंग टीचर आपकी, या बीइंग स्टूडेंट एमबीए बीएड स्टूडेंट जो करना चाहता है वो बताइए और खत्म करें। हमारी सरकार से एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार ने जो प्राइवेट कॉलेजों को विश्वास में नहीं लिया है और उसके कारण से प्राइवेट कॉलेजेस का जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज स्टाफ रखे हुए इन्होंने अपने नॉर्म्स बना लिए हैं, स्टाफ की जो उसमें तनख्वाहें हैं, दुनिया भर के खर्चे हैं, कॉलेज बंद होने की कगार पे आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार ने अगर इस तरह का काम किया है, अगर वो क्वालिटी बढ़ा रही है तो कुछ बजट भी दे प्राइवेट कॉलेज वालों को, अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए सरकार को भी किसी न किसी रूप में ग्रांट देना चाहिए। अगर ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर उनकी जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ेगी। चलिए धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बात की लिया। तो दोस्तों आप थे, आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर आर एस यादव को, जो बीएड के प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश में, और इन्होंने जो है हमारी इस बातचीत में बीएड से रिलेटेड बहुत ही गहरे मुद्दे उठाए हैं, जिसमें इस बीएड कॉलेज को ग्रांट देने से लेकर के और फीस का स्ट्रक्चर जो है उसको रिव्यू करने की इनकी डिमांड है। तो हम समझते हैं ज़रूर इस पर सरकार ध्यान देगी, क्योंकि इस देश को टीचर्स की तो आखिर ज़रूरत हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तो क्वालिटी अगर टीचिंग हमको देनी है अपने बच्चों को, तो हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार इस पर ध्यान देगी। तो दोस्तों आप देख रहे थे इंडिया आज तक, हर हकीकत आप तक। धन्यवाद।